ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दे। जींद से दो लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, एक के बाद एक केसेस बढ़ रहे हैं। कई शहरों से हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक सब्जी विक्रेता कोरोना संक्रमित निकला है। ज्यादातर केसेस जो आ रहे हैं वो सब्जी विक्रेताओं के आ रहे हैं। डोर टू डोर सब्जी बेचता था ये संक्रमित शख्स। ऐसे में चिंता बढ़नी लाजमी है। महाराष्ट्र में काम करता था और जींद में कोरोना मरीजों की संख्या 20 पर पहुंच चुकी है। हमारे पास जो है खानपुर मेडिकल कॉलेज से 103 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें दो लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसमें एक 25 वर्षीय युवक है जो गांव रसीदा से बिलोंग करता है, नरवाना ब्लॉक में। तो वो जो है 7 तारीख को नासिक महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल पर चला था और वो 10 तारीख को नरवाना में पहुंचा और उसने 11 तारीख को अपनी सैंपलिंग करवाई थी और आज उसकी रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव मिला है। तो जैसे हमने अभी पता किया है, 5 उसके फैमिली के मेंबर हैं तो उनकी भी हम अभी सैंपलिंग करेंगे। और जो दूसरा है ये भी 27 वर्षीय युवक है जो सीमार मोहल्ला पंजाबी चौक नरवाना में रहता है और ये सब्जी रेडी का बेचने का काम करता है और इसकी भी सैंपलिंग 11 तारीख को हुई थी और इसकी भी रिपोर्ट आ जाई है जो कि पॉजिटिव निकली है। और इसकी जो फैमिली के मेंबर हैं, जो 10 फैमिली मेंबर उनको बताए गए हैं अभी। और इसके अलावा मेरे को अभी सूचना मिली है कि हमारे पास जो पहले पॉजिटिव केस आए थे 6, तो हमारे रोहतक मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे और 2 खानपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल थे। वो सभी ठीक होके अभी वो रास्ते में आ रहे हैं, जिसमें से 4 आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल थी। तो इस तरह से जो हमारे केस थे पहले 16 केस थे, 8 हमारे आज डिस्चार्ज हो गए हैं, उसमें से 8 ये और 2 जो आ जाए हैं, 10 एक्टिव केस जींद में हैं फिलहाल। डोर टू डोर सब्जी बेचता था ये संक्रमित शख्स। और राजेश जागलान ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, पूरा मामला सविस्तार समझाइए। चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जींद में कोरोना मरीजों की संख्या अब 20 पर पहुंच चुके हैं।